नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। घर से बिना बताए 7 सितंबर को अचानक लापता हुए वृद्ध का शव फरमाना गांव के एक कुएं में पड़ा मिलने की सनसनीखेज खबर है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतक की पहचान धर्मपाल पुत्र धनपत निवासी फरमाना जिला रोहतक के रूप में हुई है। मृतक के भाई रामदेवा ने बताया कि उसके मृतक भाई की उम्र 58 साल थी। वह दिव्यांग होने के कारण लाठी के सहारे चलता था। मृतक अविवाहित था। कुछ दिन से उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। वह 7 सितंबर को बिना बताए घर से चला गया था। महम थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रविवार शाम 5 बजे किसी ने कुएं में शव पड़ा देखा। पुलिस की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक भिजवाया है। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ऑनलाइन की रिपोर्ट। यो धर्मपाल है जी, धनपत का। यो काफी दिनों से बाहर रहा करता, इसका मामा मुमक है। अभी याद है, 1 महीने से 7 तारीख ने घर से लापता हो गया। इन्हें मुकदमा दर्ज करवा दिया, थाना में इतला दे दी। आज किसी आदमी ने जोड़ पर देखा, कुआं में इसकी डेड बॉडी तैर रही थी। पुलिस को बताया गया, मौके पर आ गई, डेड बॉडी निकलवा दी। 174 की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये नाश है धर्मपाल पुत्र धनपत, गांव फरमाना खास। ये 7 तारीख को बगैर बताए अपने घर से चला गया। इस संबंध में FIR दर्ज होगी 346 ITC की। 10 तारीख को उसने दरखास्त दे के थाने में FIR दर्ज करा दी। जो आज गांव से सूचना प्राप्त हुई, भाई जो धर्मपाल है 7 तारीख को गुम होया था, उसकी नाश फरमाना जोड़ पर रद्द कुएं में पानी में तैरती हुई मिली है। जो पुलिस प्रशासन मौके पाया, लाश को बाहर निकाला, इन्होंने शनाख्त कर ली। जो कि धर्मपाल पहले से दिमागी तौर पर मंदबुद्धि बताया, वह एक पैर से पैरालाइज है, जो लाठी के सहारे से चलता था। उसकी नाश को परिवार वालों ने पहचान लिया। पुलिस 174 की कार्रवाई करने लग रही है। सुबह पोस्टमार्टम करा के नाश को हवाले कर दिया जाएगा वारसान के। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।